भाजपा का न्यू इंडिया कॉन्क्लेव कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी यहां पर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, उन्हें सुन रहे हैं। जब डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया, एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं, अक्सर बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं रहता है, 24 अक्टूबर 1948 को जब महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन डॉक्यूमेंट में साइन किया था, उसमें कोई स्पेशल क्लॉज नहीं था, वो वैसे ही था जैसे बाकी रियासतों के साथ था। पहला स्पेशल क्लॉज एक साल बाद 49 में जोड़ा गया और बाद के वर्षों में 52 में जोड़ा गया। खैर, उसके बाद जब पाकिस्तान ने कबाइली भेजे थे और हमारी फौज ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया था, हम दुनिया के कैसे विचित्र देश थे जो जीतती हुई फौज युद्ध विराम करने के लिए खड़े हो गए। हम बड़े देश थे और हमारी फौज जीत रही थी और हम यूनाइटेड नेशंस में चले। होता यह है कि छोटा देश जिसकी फौज हार रही होती है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर गुहार लगाता है कि दादा हमें बचाओ, हम जीत रहे थे, हमने कहा नहीं नहीं हम बचाते हैं और हम गर्व संग्रह कराएंगे। गजब का काम किया। और ये क्यों हुआ, थोड़ा सा इसमें किसी को लग सकता है, देखिए रियासतों के विलयीकरण का मामला कितना पेचीदा था, शायद राजस्थान के बुजुर्गों से बेहतर इसको कोई नहीं समझ सकता होगा, कितना जटिल मामला था। पर सब कुछ सहजता से हो गया, जूनागढ़ भी सॉल्व हो गया, हैदराबाद भी सॉल्व हो गया, भोपाल भी सॉल्व हो गया, क्योंकि सब जगह सरदार पटेल ने निर्णय लिया, एक जगह नेहरू जी ने व्यक्तिगत अभिरुचि दिखाई कश्मीर में और ऐसा कच्चा फंसाया कि आज 72 साल के बाद भी वो यथावत फंसा हुआ है। अब हमें उस सोच को बदलना था, नाउ इंडिया इज नॉट ए सॉफ्ट स्टेट, कि अगर आप ये कहेंगे कि वी विल कट इंडिया विद 1000 wounds और उनको ब्लीड करेंगे और हम केवल 1000 wounds सहन करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अब ये लड़ाई एक केवल इमोशनल मुद्दा भी नहीं था, हमने कहा उसके बाद देंगे, इसके लिए पहले पूरी दिशा बिछानी थी। दिशा बिछाने की शुरुआत कहां से हुई, हमारे विरोधी